गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन से है। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन रेफर टू द फॉर्मेशन टाइप एंड स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटेशन इज टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वाटर फ्रॉम मैटरनल टिश्यू टू अ ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। यह मैटरनल टिश्यू एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो के बीच एक लिंक की तरह, कनेक्शन की तरह कार्य करता है तथा न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस व वाटर को सप्लाई या ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अंडाशय के भीतर प्लेसेंटा व ओव्यूल के व्यवस्था क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यह मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी ओवरी में देखने को मिलता है। इसमें ओव्यूल एक रो में अरेंज्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लेग्यूमिनेसी फैमिली है। हम यहाँ डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यह मटर का डायग्राम है। मटर के अंदर मटर के दाने दिखाई दे रहे हैं। ये जो सीड्स होते हैं इनको ओव्यूल कहा जाता है, और ये ओव्यूल जिस भी पॉइंट से जुड़े होते हैं वो प्लेसेंटा कहलाता है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये मटर है और यहाँ ये ओवरी वाल हो गई, ये मटर की वाल ओवरी वाल हो गई, मार्जिन हो गया मटर का, ओवरी का मार्जिन है ये, और मार्जिन पर इस तरह से प्लेसेंटा अराइज होते हैं। इन प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स लगे होते हैं, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं, जिसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। कि जब प्लेसेंटा ओवरी के मार्जिन से अराइज होता है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाता है। इसमें हम देखें तो एक ही चैम्बर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट एक चैम्बर है। इस चैम्बर में कई सारे ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। इट मीन्स वन लॉक्यूल एंड मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन या वित्तीय बीजांडन्यास। जब जायांग दो या बहुअंडपी लेकिन सदैव युक्तांडपी व एक कोष्ठीय हो तथा बीजांड अंडाशय की परिधि पर अंडपों की संधि स्थल पर लगे हों तो उसे वित्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। इट मीन्स कि इस तरह के प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वह मल्टीकार्पेलरी होती है और सिनकार्पस होती है, यूनिलोक्युलर होती है, तथा जो प्लेसेंटा होता है वह हमेशा ओवरी की परिधि पर लगा होता है। ओवरी, इट मीन्स जब प्लेसेंटा ओवरी की परिधि से अराइज होता है तो उसको पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल पेपे वरेसी व क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है। हम यहाँ डायग्राम में समझ सकते हैं, ये सेकंड डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। यह पैराइटल प्लेसेंटेशन का डायग्राम है जिसमें ओवरी की परिधि पर, पेरीफेरी पर प्लेसेंटा बना हुआ है और इस प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स अराइज हुए हैं, लगे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे तो लॉक्यूल मीन्स चैम्बर एक ही दिखाई दे रहा है, केवल एक ही चैम्बर है जिसमें 3 ओव्यूल मौजूद है। हम यहाँ डायग्राम की सहायता से इसको समझ सकते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन को। देखिए आप यहाँ पर ये जो ओवरी का परिधि होती है, ओवरी की परिधि से इस तरह से ओव्यूल प्लेसेंटा जो होते हैं अराइज होते हैं और इस प्लेसेंटा पर फिर ओव्यूल लगे होते हैं। यहाँ देखिए आप, तो एक लॉक्यूल है, लॉक्यूल एक है जिसके अंदर 3 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का प्लेसेंटेशन कहलाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद का प्लेसेंटेशन है एक्साइल प्लेसेंटेशन या अक्षीय बीजांडन्यास। जब जायांग द्वि या बहुअंडपी लेकिन सदैव युक्तांडपी व उतने ही कोष्ठीय जितने की अंडप हों तथा बीजांड अंडाशय के केंद्रीय भाग में स्थित अक्ष पर लगे हों, जिनका निर्माण अंडपों के तटों के संयोजन से होता है, अक्षीय बीजांडन्यास कहलाता है। इसका एग्जांपल मालवेसी व सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में देखने को मिलता है। इट मीन्स इस तरह का प्लेसेंटेशन बायकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी में पाया जाता है, जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के केंद्रीय भाग या सेंट्रल पार्ट से अराइज होता है, जिसमें जितने कार्पल होते हैं उतने ही लॉक्यूल दिखाई देते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर का सी वाला डायग्राम जो है,
यह हाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के सेंटर से अराइज हो रहा है, सेंटर से ही अराइज हो रहा है। केंद्रीय अक्ष पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और जितने कार्पल होते हैं उतने ही लोक्यूल होते हैं। आप तीन लोक्यूल में तीन ओव्यूल देख सकते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो सपोज़ ये ओवरी है और ओवरी का अक्ष यहाँ सेंटर में होता है। इस सेंटर से जब ओवरी के सेंटर से प्लेसेंटा अराइज हो, इस तरह से सेंटर पार्ट से प्लेसेंटा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, जिसमें आप मैंने आपको तीन लोक्यूल बताए हैं, 1 2 3, थ्री लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक लोक्यूल के अंदर एक एक ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर यह एक्साइल प्लेसेंटेशन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाँ बेसल प्लेसेंटेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि जब ओवरी के बेस से प्लेसेंटा अराइज होता है तो उसको हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यह मोनो या मल्टी कार्पेलरी यूनिलोक्युलर ओवरी में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल कंपोजिटी फैमिली के मेम्बर में हम बेसल प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। डायग्राम में आप समझ सकते हैं, यहाँ ये वाला डायग्राम जो है बेसल प्रेजेंटेशन का दिखाई दे रहा है, जहाँ ओवरी के बेस से प्लेसेंटा अराइज हुआ है। देख सकते हैं आप, सपोज़ ये ओवरी है और ये ओवरी के आधार से जब प्लेसेंटा निकलता है और प्लेसेंटा पर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। यह यूनिलोक्युलर होता है, एक कोष्ठीय होता है जिसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फिफ्थ टाइप है मुक्त स्तंभी या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। जब जायांग द्वि या बहुअंडपी युक्तांडपी लेकिन सदैव एक कोष्ठी हो, जिसकी फर्श से एक अक्ष इस प्रकार उभरी हुई हो कि यह अंडाशय की छत से जुड़ी हुई नहीं हो तथा बीजांड इस अक्ष पर लगे हों, उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इट मीन्स यह द्विअंडपी यानी कि बाई कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी में देखने को मिलता है, जिसमें एक ही लॉक्यूल होता है, हमेशा यूनिलॉक्युलर ओवरी होती है तथा सेंटर से दूर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसे हम फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैरियोफिलेसी फैमिली के मेंबर में देख सकते हैं। यहाँ आप चित्र में इसका देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। यहाँ पर ओवरी का सेंटर यहाँ होता है, सेंटर से दूर प्लेसेंटा अराइज हुआ है, केंद्र से दूर प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है और यूनिलोक्युलर ओवरी आपको दिखाई दे रही है। एक ही लॉक्यूल में कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट है। आप देखेंगे डायग्राम में तो ये ओवरी वाल है, लॉक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ओव्यूल दिख रहा है, प्लेसेंटा और सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से दूर जब प्लेसेंटा अराइज होता है तो उसको फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं, जिसमें ओवरी यूनिलोक्युलर होती है और मल्टी ओव्यूलर होती है। एंड लास्ट टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो है सुपरफिशियल या परिभित्तीय बीजांडन्यास। जब जायंग बहुअंडपी युक्तांडपी तथा बहुकोष्ठी हो तथा बीजांड कोष्ठों के तटों पर लगे हों, उसे परिभित्ति या सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन कहते हैं। यह एक एडवांस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है जो कि बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल कमलनाल या निम्फिया होता है। निम्फिया के फ्लावर में हम सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसको भी हम यहाँ चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये आप लास्ट वाला डायग्राम देखेंगे, ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन का है, जिसमें आप देखेंगे ओवरी वाल लोक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ओव्यूल आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा जो है ये सेंट्रल एक्सिस है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह जो ओवरी है यह मल्टी लोक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर होती है। इसको भी हम चित्र की सहायता से समझें तो इस तरह से हम देख सकते हैं, सपोज ओवरी वाल, और ओवरी वाल के अंदर कई सारे चैम्बर्स होते हैं, इस तरह से कई सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब नज़दीक होते हैं, सारे चैम्बर्स बहुत नज़दीक होते हैं और ये चैम्बर्स कहलाएंगे लोक्यूल। इनको कहा जाता है लोक्यूल और इन लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कई सारे ओव्यूल्स। प्रत्येक लोक्यूल के अंदर मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपको मैं एक बड़ा सा लोक्यूल बना के बताती हूँ, जिसमें
आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से ओवरी लॉक्यूल के अंदर इस तरह से कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में यही एक विशेषता होती है कि यह मल्टी लॉक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर होती है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने प्लेसेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, प्लेसेंटेशन की परिभाषा को समझा। थैंक यू।